रुदाली एक इंडियन ड्रामा है जो समाज में अमीर गरीब ऊंच नीच के बीच भेदभाव को दिखाती है। इसे एक फिल्म से बढ़कर एक दौर की सच्चाई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। गांव के बड़े जमींदार ठाकुर राम अवतार सिंह ने खाट पकड़ ली। लगता है दिन पूरे हो गए, पर दौलत का जोर अभी गया नहीं। भगवान को तौलने चला है, पंडित बुलाकर गोदान करा रहा। लगता है स्वर्ग जाना चाहता है। गोदान का कार्य पूरा होते ही पंडित कहता है, हुकुम गोदान करा दिया है, आपको स्वर्ग मिलेगा और मंदिर में 11 ब्राह्मणों का भोज भी रखा है। ये सुनते ही ठाकुर तिलमिला उठता है। पंडित से कहता है, अबे 5 से पुण्य कम मिलते क्या जो बढ़ाकर 11 कर दिए। ठाकुर पंडित को तिरस्कारते हुए वहां से दफा हो जाने को कहता है। ठाकुर को अपनी मौत का एहसास है और इसकी दिली इच्छा है कि कोई इसकी मौत पर रोने वाला हो, पर शायद जीवन में ऐसे कर्म कांड करके रखे हैं कि कोई इसकी मौत पर आंसू तक बहाने को तैयार नहीं। ठाकुर अपने मुलाजिमों से एक एक करके पूछ रहा कि क्या कोई इसकी मृत्यु पर रोएगा। सबके हाव भाव देखकर ठाकुर को समझते देर नहीं लगती कि कोई भी नहीं जो उसकी मृत्यु पर रोएगा। वह अपने एक मुलाजिम कालिया से कहता है कि गांव से एक रुदाली बुला लाए, कम से कम वह तो उसकी मृत्यु पर रोएगी, मातम मनाएगी। वह कालिया को सख्त हिदायत भी देता है कि रुदाली सस्ती होनी चाहिए। ठाकुर मृत्यु की सैया पर लेटा है, पर दौलत की मुट्ठी को ऐसे जकड़े हुए है मानो जैसे सारी दौलत साथ ले जाएगा। कालिया भीखनी को बुला लाया। भीखनी एक रुदाली है। ठाकुर ने उसका रहना खाना सनिचरी के यहाँ ठीक कर दिया। भीखनी सनिचरी से पूछती है कि उसका नाम सनिचरी कैसे पड़ा। सनिचरी उसे बताती है कि ये नाम उसे उसके गांव वालों ने दिया था। कहते थे सनिचर के दिन जन्मी, जन्मते ही अपने बाप को खा गई, अभागन मनहूस सनिचरी। फिर भीखनी पूछती है कि उसकी माँ ने उसका नाम क्या रखा था, जिस पर सनिचरी कहती है, माँ तो पैदा होते ही भाग गई किसी नौटंकी वाले के साथ, बड़ी हुई गोरी चिट्टी थी, एक शराबी ने शर्त में जीत लिया और इस गांव में ले आया और लगन कर लिया, तब से यही स्वर्ग यही नरक। अब सनिचरी भीखनी से पूछती है कि वो कहाँ से है। भीखनी उसे बताती है कि वो डोंगरी गाँव से है और एक रुदाली है, पैसे लेकर लोगों की मौत पर रोती है, मातम मनाती है। सनिचरी अपने बेटे के हारमोनिका को बजाते हुए भावुक हो जाती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ सनिचरी अपने बेटे बुधवा के साथ है। बुधवा हारमोनिका बजा रहा और अपनी माँ को नाचने के लिए कह रहा। सनिचरी के जीवन में ऐसे गिने चुने ही दिन हैं जिनकी यादें उसे मुस्कुराने का मौका देती है। सनिचरी की सास बड़ी बीमार है, उसका बेटा गंजू 2 दिन से घर नहीं आया। सास बहू के बीच इसी बात को लेकर नोकझोंक होती है। गंजू एक शराबी है और सनिचरी के परेशानी का सबब भी। उसने पति होने के नाते सनिचरी को सुख से ज़्यादा दुखी दिए हैं, पर कहते हैं ना, नोकझोंक वहीं होती है जहाँ प्यार होता है। सनिचरी अपनी सास को आश्वासन देती है कि वह गंजू को ढूंढ लाएगी। सनिचरी गंजू को पूरे गांव में ढूंढती है, गंजू का कहीं पता नहीं। रात को बड़ी तेज बारिश होती है, रेगिस्तान में बिरले ही बारिश होती है। बारिश के आने से सनिचरी के खुशी का ठिकाना नहीं है, पर उसकी खुशी तब मातम में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी सास अब नहीं रही। ऐसा लगता है मानो गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट ईश्वर को अच्छी नहीं लगती। सनिचरी के पांव ठंडे पड़ गए। आधी रात को अपने पति गंजू को ढूंढ रही। गांव के पंडित से उसे पता चलता है कि गंजू जेल में है, उसने जमींदार के यहाँ चोरी की थी। सनिचरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अपनी पड़ोसी कमली को बताती है कि उसकी सास मर गई और कहती है कि रात का मुर्दा रात को ही निकल जाना चाहिए, सुबह हो जाने पर दोष लगेगा। पंडित 10 रुपये का हरजाना मांग लेगा और घर में खाने को एक दाना नहीं है, ऊपर से श्राद्ध करो, पिंडदान करो। सनिचरी अपनी सास का अंतिम संस्कार रातों रात ही कर देती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। सनिचरी भीखनी को बताती है कि सास की मौत से ज़्यादा तो उसे पंडित के हरजाने की चिंता थी। उसकी आंखों से आंसू के एक बूंद तो दूर, उसकी आँखें भीगी तक नहीं। हवेली का दृश्य आता है। छोटे ठाकुर भीखनी से खैर खिदमत पूछ रहे। वह भीखनी से सनिचरी का हाल बड़ी बेकरारी से पूछता है। कोई पुराना आशिक जान पड़ता है। कहता है, सनिचरी हवेली की पुरानी खिदमतगार है, उससे कह देना कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो हवेली आकर मुझसे मिले। वापस आकर भीखनी सनिचरी से छोटे ठाकुर के बारे पूछती है। कुंवर सा का जिक्र होते ही सनिचरी के चेहरे पर एक मुस्कान ठहर गई। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ठाकुर का छोटा भाई शहर से आया है, रेगिस्तान में ऊँट हाँक रहा, प्यासा है। सनिचरी के माथे पर पानी का घड़ा देख उसी की ओर आ रहा। पास आकर सनिचरी को पानी पिलाने को कहता है।
सनिचरी घड़ा ऊंट के मुंह के पास ले जाती है। ठाकुर सनिचरी से कहता है, बावली हो गई है क्या, प्यास मुझे लगी है और तू पानी ऊंट को पिला रही। जिस पर सनिचरी कहती है कि मैं आपको पानी कैसे पिलाऊं हुकुम, मारी गर्दन उच्ची हो जाएगी। ठाकुर कहता है, क्यों तुम्हारी गर्दन में बल आ गया है क्या। ठाकुर सनिचरी को ऊपर देखकर बात करने को कहता है। पहले तो सनिचरी मना करती है, ठाकुर के जोर देने पर जब सनिचरी नजरें ऊपर करती है, सनिचरी की भूरी आंखें ठाकुर के दिल के आर पार हो गई। ठाकुर पहली नज़र में ही सनिचरी पर दिल हार बैठा। सनिचरी वहां से जा ही रही होती है, ठाकुर उसे रोकता है, उसका नाम पूछता है और उसे पानी पिलाने को कहता है। सनिचरी ये कहते हुए पानी पिलाने से मना कर देती है कि वह नीच जात की है, उसके हाथों से पानी पीने से उनका जात भ्रष्ट हो सकता है। छोटे ठाकुर खुले मिजाज का मालूम पड़ता है, फिलोसॉफिकल बातें करता है, कहता है, मेरे पानी पीने से तो मेरी जात खराब ना होगी, तुम्हारे पानी पिलाने से तुम्हारी जात खराब होगी, तो ना पिला। सनिचरी उसे पानी पिलाती है, ठाकुर उसे ऊँट में बिठाकर गांव तक छोड़ने का प्रस्ताव देता है। सनिचरी कहती है कि अगर गांव में किसी ने देख लिया तो इसी रेत में मुझे जिंदा गाड़ देंगे। ठाकुर कहता है कि वह फिक्र ना करे, लक्ष्मण सिंह के रहते हुए कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लक्ष्मण सिंह नाम सुनकर सनिचरी के पांव ठंडे पड़ गए। माफी हुकुम करते हुए ऐसे भागी मानो भूत देख लिया हो। अगले दिन ठाकुर लक्ष्मण सिंह के कहने पर कालिया सनिचरी के पति गंजू को पकड़कर हवेली ले आया। ठाकुर गंजू से कहता है कि हवेली में छोटी मालकिन को नौकरानी की जरूरत है, वो सनिचरी को भेज दे, बदले में खाना और कपड़ा मिलेगा। काम तो एक बहाना है, ठाकुर को तो सनिचरी चाहिए, उसकी नीयत सनिचरी पर डोल चुकी है। सनिचरी अपना पोटली लेकर हवेली पहुंचती है, मोती उसे सारा काम समझा देती है। मोती हवेली की पुरानी खिदमतगार है, बावड़ी से पानी भरते वक्त सनिचरी हैरान है, रेगिस्तान में इतना पानी उसने पहली बार देखा है। ठाकुर रानी को पुकारते हुए अंदर आता है, रानी स्नान कर रही है, यहाँ उसकी मुलाकात सनिचरी से होती है। नजरें झुकाए खड़ी सनिचरी को देखकर ठाकुर उसे नज़र उठाने को कहता है। ठाकुर की हालत किसी रोजेदार की तरह है, चांद का दीदार करना चाहता है। सनिचरी नजरें ऊपर उठाती है, ऐसा लगता है आग दोनों ओर बराबर लगी है। एक रोज हवेली की अटारी पर सनिचरी कपड़े सुखा रही है, मौका देखकर ठाकुर सनिचरी से अपने प्यार का इजहार करता है। कहता है अगर वो अपने बेटे बुधवा और पति गंजू को छोड़ दे तो वो उसे रख लेगा, उसके जीते जी फिर उसे कभी खाने और पीने की कमी नहीं होगी। सनिचरी गरीब जरूर है पर मान मर्यादा से तौले गए अनाज का एक निवाला भी उसके गले से नहीं उतरेगा। ठाकुर को जवाब देते हुए कहती है वो शादीशुदा है, ऊपर से नीच कुल की, पाप लगेगा हुकुम पाप, नरक मिलेगा नरक। ठाकुर कहता है कि छोरियां उठवाना ठाकुरों के लिए बड़ी बात नहीं है पर वो वैसा इंसान नहीं है, ऊंच नीच पाप पुण्य स्वर्ग नर्क सब ब्राह्मणवाद के बनाए गए ढकोसले हैं, उनके मुकाबले तो तू गंगा की तरह पवित्र है। सनिचरी की खामोशी ने सब बयां कर दिया, वह समाज की बनाई मर्यादा को नहीं लांघना चाहती, भूखा पेट सूखा गला यही उसकी किस्मत है, इसी में सुख है इसी में दुख है, यही जीवन है। अचानक सनिचरी की आंखें खुलती है, भगवान का शुक्र है ये बस एक सपना था। सनिचरी रानी की खिदमत कर रही है जो गर्भवती है। रानी अपने पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह से होने वाले बच्चे के अनप्रसंग में गाने के लिए केसरबाई को बुला लाने को कहती है। ठाकुर कहता है गाना होगा रानी पर इसके लिए केसरबाई की जरूरत नहीं है, सनिचरी है ना, सुना है बड़ा अच्छा गला है इसका। सनिचरी मना करती है, फिर से जात पात की बातें करने लगती है, कहती है ऐसे शुभ मौके पर छोटे हुक्म पर मेरी परछाई, अशुभ होगा हुक्म। ठाकुर बड़ा जिद्दी है, सनिचरी को हुक्म देते हुए कहता है गाना तो तुम्हें गाना ही पड़ेगा और रही बात परछाई की तो जलसा रात में होगा, परछाई पड़ेगी ही नहीं। ठाकुर सनिचरी को फिर से समझाता है कि वो जात पात ऊंच नीच पर विश्वास नहीं करते। ठाकुर जिस तरह से सनिचरी पर हुक्म चलाता है अधिकार जमाता है ये बातें अब सनिचरी को भी अच्छी लगने लगी है। सनिचरी ने रात के जलसे में ऐसा राग छेड़ा, ठाकुर मंत्रमुग्ध हो गया और खुश होकर नजराने में सनिचरी को रहने और खेती करने के लिए ज़मीनें भी दे दी। कहानी प्रेजेंट में आती है, बड़े ठाकुर का मुलाजिम कालिया भीखनी को लेने आया है, लगता है ठाकुर आखिरी सांसें गिन रहा है। कालिया भीखनी से जल्द हवेली पहुंचने को कहता है। हवेली पहुंचकर भीखनी कालिया को बड़ा कोस रही है, कहती है चार घंटों से बिठा रखा है, ठाकुर मरने का नाम ही नहीं लेता, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, उसकी उम्र अभी लंबी है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, गांव में मेला लगा है, इसी दौरान गांव में हैजा फैल गया, गंजू की मौत हो गई। गंजू की मौत पर भी सनिचरी की सूखी आंखों से आंसू के एक बूंद तक नहीं गिरे।
पत्थर दिल सनिचरी अब पत्थर तोड़ने का काम करती है। एक दिन पत्थर तोड़ते हुए सनिचरी अपने आप को बड़ा कोस रही है। चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि सनिचरी रो सकती है, आज सनिचरी रोएगी। ये सुनकर गांव का पंडित उसे बड़ा कोसता है। कहता है, पति की मृत्यु को 10 दिन हो गए, अभी तक उसका पिंडदान नहीं कराया। सास की मौत पर भी पिंडदान नहीं कराया था। पंडित उन्हें श्राप देता है, कहता है दोनों नर्क में जाएंगे। सनिचरी हाथ जोड़कर पंडित से श्राप वापस लेने को कहती है। कहती है, इस दुनिया में जीते जी कभी मेरे पति को चैन नहीं मिला, कम से कम उस दुनिया में तो उसे शांति मिले। पंडित कहता है, अगर उनकी आत्मा की शांति चाहती है तो मुझसे पिंडदान कराना ही होगा। दोनों के पिंडदान करने के 50 रुपए लूंगा। सनिचरी कहती है, यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। पंडित कहता है, कहीं से भी लाओ, चोरी करो डाका डालो, पर 50 रुपए से 1 रुपए कम न लूंगा। सनिचरी अपना आंचल फैलाए ठाकुर रामावतार के दरबार पहुंचती है। वहां उसे पैसे तो मिल गए, पर ठाकुर ने 15 साल के लिए बंधवा मजदूर बना दिया। वर्षों बीत गए, सनिचरी की उम्र हो चली, बुधवा भी जवान हो गया, पर माँ बेटे के बीच का प्यार जरा भी कम न हुआ। ठाकुर से लेके लाला तक सबने सनिचरी को बोतल में उतारने की कोशिश की, पर सनिचरी तो सीता की तरह पवित्र है और अब गांव के बाजार में चादर बेचने का काम करती है। एक दिन गांव के लाला और जमींदार के मुनीम ने सनिचरी की हालत का उपहास उड़ाने की कोशिश की, पर जवाब ऐसा मिला कि दोनों तिल मिलाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। एक दिन बुधवा गांव से एक वैश्या मुंगरी को उठाकर घर ले आया। सनिचरी बड़ा गुस्सा है, बुधवा को बड़ा कोस रही है, अपने झोपड़े पर वैश्या की परछाई तक नहीं पड़ने देना चाहती। पर जब बुधवा उसे बताता है कि मुंगरी पेट से है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो ना चाहते हुए भी सनिचरी को उसे रखना ही पड़ता है। मुंगरी एक वैश्या है, न जाने कितने घाट का पानी पी चुकी है, मान मर्यादा की समझ उसे कहाँ। आज बाजार में लाला और पंडित को रस का जरिया मिल गया। दोनों मुंगरी को देखकर लार टपका रहे। मुंगरी उन्हें बताती है कि अब वह वैश्यावृत्ति नहीं करेगी, क्योंकि सनिचरी के बेटे बुधवा से उसका ब्याह हुआ है। पंडित और लाला सनिचरी से पहले ही खार खाए हुए हैं, उन्हें मौके की तलाश थी, उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने बाजार में बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, पर सनिचरी को अच्छे से पता है कि लाला और पंडित के दामन के दाग तो वैश्याओं से भी ज़्यादा गहरे हैं। सनिचरी ने लाला और पंडित को ऐसा जवाब दिया, दोनों के कंठ सूख गए। पंडित सनिचरी और उसके बेटे को गांव से निकालने की धमकी देने लगा। बाजार का कलेश सनिचरी के घर तक पहुंचाया। मुंगरी की हरकतों से सनिचरी बड़ा नाराज है। जिस आत्मसम्मान मान मर्यादा के बलबूते सनिचरी लाला और पंडित के सामने सर उठाए खड़ी रहती है, आज मुंगरी ने उसी आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। सनिचरी मुंगरी से कहती है कि रांड हमेशा रांड ही रहती है, अगर पेट में बुधवा का बच्चा ना होता तो जूते मार कर घर से बाहर निकाल देती। जिस पर मुंगरी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे पेट में बुधवा का ही बच्चा है। घर पर बड़ा बखेड़ा हुआ, मुंगरी घर छोड़कर चली गई। भोर होते होते बुधवा ने भी घर छोड़ दिया। सनिचरी बुधवा को ढूंढते हुए मुंगरी के ठिकाने पर पहुंचती है। यहाँ उसे पता चलता है कि बच्चा बुधवा का ही था और मुंगरी ने बच्चा गिरा दिया। सनिचरी को सांप सूंघ गया, न जाने किस जन्म का दुख भोग रही है। कहानी प्रेजेंट में आती है। सनिचरी भीखनी को बताती है कि घर छोड़कर जाने के बाद बुधवा फिर कभी लौट कर नहीं आया। जोरुदाली आज से पहले सिर्फ पैसों के लिए रोया करती थी। सनिचरी की आप बीती सुनकर उसके आंखों से आंसू छलक पड़े, वो फफक कर रो पड़ी। यूं तो सनिचरी बड़े कठोर दिल की है, पर अब उसे भी भीखनी से लगाव है। सनिचरी भीखनी को अपने साथ ही रुकने को कहती है, हमेशा के लिए। कालिया भीखनी को पूरे गाँव में ढूंढ रहा। भीखनी कहती है, मर गया क्या राम अवतार। कालिया हंसते हुए कहता है, नहीं वो तो अभी नहीं मरने वाला, पर तुम्हारे लिए दूसरा काम लाया हूँ। ठाकुर राम अवतार का रिश्तेदार नत्थी सिंह ने कल रात प्राण त्याग दिए, वही मातम करना है। भीखनी कहती है कि मैं मोल भाव नहीं करती, मातम के पूरे 50 रुपए लगेंगे, गुड़ तेल आटे के साथ, छाती कूटने और आंगन लौटने के 10 रुपए अलग से लगेंगे। कालिया कहता है, दोनों परिवार के बीच बनती नहीं, नाक की बात है, तू जो मांगेगी वो देंगे। उन्हें तो पूरे गाँव को दिखलाना है कि ठाकुर राम अवतार के नाक के नीचे उसी की बुलाई गई रुदाली से नत्थी सिंह का शोक करवा लिया। सनिचरी कहती है, पाखंडी है सबके सब, मौत पर भी एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। रुदाली ने अपना मातम शुरू किया, विलाप कर ही रही है कि एक औरत शोक सभा में आकर बड़ा तमाशा करती है। लगता है नत्थी सिंह की रखेल है। हवेली के मुलाजिमों ने उसे घसीट कर बाहर कर दिया। आज भीखनी
सनिचरी को अपने हाथों से खाना बनाकर परोस रही है। बातों ही बातों में सनिचरी भीखनी से पूछ ही लेती है कि उसकी आंखों से इतने आंसू कैसे बहते हैं। भीखनी कहती है, यही तो राज की बात है कि आंखों से आंसू बहते हैं, और अपने पोटली से एक पुड़िया निकालते हुए कहती है, ये है वो राज की बात जिसके चलते आंसू बहते हैं। ये कहते हुए कि इस पुड़िया में जादू के आंसू है, भीखनी सनिचरी की आंखों में भी जरा सा रगड़ देती है। सनिचरी की आंखें जलने लगी, पर फिर भी उसकी आंखों से आंसू के एक बूंद तक नहीं गिरे। ये देख भीखनी हैरान है, कहती है कि तुम्हारे अंदर के दुख मोम बन गए हैं सनिचरी, किसी ने सेक नहीं दी इसलिए नहीं पिघले। रोले सनिचरी रोले। भीखनी सनिचरी से रुदाली का काम करने को कहती है, पर सनिचरी कहती है, मेरे अपने मर गए, मुझे छोड़कर चले गए, पर सूखी सनिचरी की आंखों से आंसू के एक बूंद तक नहीं गिरे। दूसरों की मौत पर मुझे क्या रोना आएगा। आधी रात हो गई, दूर गांव से भीखनी को कोई लेने आया है। भीखनी देखती है ये पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम उसे बताता है कि भीष्मदाता की तबीयत ठीक नहीं है। भीष्मदाता का नाम सुनते ही भीखनी की माथे पर चित की रेखाएं दौड़ पड़ी। पुरानी जान पहचान मालूम पड़ती है। सोती हुई सनिचरी को भीखनी उठाकर बताती है कि वो डोंगरी गांव जा रही है भीष्मदाता के घर, दो दिन में लौट आएगी। सनिचरी उससे पूछती है कि कौन भीष्मदाता। भीखनी कहती है कि तुमने तो अपने बारे में मुझे सब बता दिया, पर मेरे बारे में कुछ नहीं जाना। वापस आकर मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी। इधर ठाकुर रामावतार भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कालिया भीखनी को ढूंढते हुए सनिचरी के ठिकाने पर पहुंचता है। सनिचरी उसे बताती है कि भीखनी तो दो दिन से डोंगरी गांव गई है किसी भीष्मदाता के घर। भीष्मदाता का नाम सुनते ही कालिया के चेहरे पर मुस्कान ठहर गई। कालिया के चेहरे पर मुस्कान देख सनिचरी पूछती है कि तू कैसे जानता है भीष्मदाता को। कालिया कहता है, मैं क्या, पूरी दुनिया जानती है भीष्मदाता को। एक जमाने में नौटंकी चलाता था, भीखनी बावली थी उसके पीछे, घरबार सब छोड़ दिया, उसकी रखेल बन गई। फिर बाइस्कोप का दौर आया, नौटंकी ठप पड़ गई, हालात ने भीखनी को रुदाली बना दिया। कालिया सनिचरी को बतलाता है कि बड़े ठाकुर के मरने के बाद कुंवर सा गांव छोड़कर जाने वाले हैं, अगर मौका मिले तो हवेली जाकर कुंवर सा से मिल ले। सनिचरी छोटे ठाकुर से मिलने हवेली पहुंचती है। ठाकुर नजरें झुकाए खड़ी सनिचरी से आज भी उसी स्नेह से मिलता है और उसे नजरें उठाने को कहता है। ठाकुर आज भी सनिचरी का दीवाना है और कहता है, तुम्हारी आंखें आज भी बिल्कुल वैसी ही है, भूरी भूरी रेगिस्तान जैसी। सनिचरी को ढूंढता हुआ कोई हवेली आया है। सनिचरी हैरान है, मुझे यहाँ कौन ढूंढ रहा, यह पुरुषोत्तम है। वह सनिचरी को बताता है कि भीखनी मर गई, हैजा खा गया उसे। मरते वक्त बोली वह भीखनी नहीं थी, उसका नाम पीउली था और वही तुम्हारी माई थी। ये सुनकर सनिचरी की बंजर आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इधर खबर आई ठाकुर रामावतार सिंह भी गुजर गए। सनिचरी आज बिलख बिलख कर रोई। अपनों की मौत और छोड़ जाने पर भी न भीगने वाले सनिचरी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सनिचरी अब अपनी माँ भीखनी के तरह ही मशहूर रुदाली है। फिल्म खत्म हो जाती है। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।